हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कट चॉप एंड कुक। आज मैंने बनाया है ये मजेदार सा वेज मायो सैंडविच, जिसे आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं और बच्चों का ये बहुत फेवरेट है। तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। एक बोल में हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बिल्कुल फाइनली चॉप खीरा, ये लगभग एक कप है, और जो प्याज है वो आधा कप है और टमाटर भी आधा कप है। अब मैं ऐड करूंगी बारीक चॉप की हुई कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ये भी एक कप के आसपास है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं लगभग एक कप के आसपास कैबेज, ये भी मैंने फाइनली चॉप की हुई है। और अब मैं एक बार इन वेजिटेबल्स को मिक्स कर लूंगी। देखिए, इसे अच्छा सा मिक्स देने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब, आप ऑर्गेनो भी यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ मैं चंकी चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और अब फिर से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी लगभग एक कप वेज मेयोनीज, ये एग्लेस है, और अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी फिर से। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसे एक तरफ रख देंगे। देखिए, मैंने एक मीडियम साइज वाइट ब्रेड ले ली है, अब मैं इसके कॉर्नर्स को काट दूंगी। देखिए, मेरे सारे ब्रेड जो है वो रेडी हो गए। जितने भी आपको अपने सैंडविचेस रेडी करने हैं, आप उस हिसाब से दो दो ब्रेड को इस तरह से कॉर्नर काट के अलग कर लीजिए। अब देखिए, मैं चार स्लाइसेस को इस तरह से रख दूंगी। इस तरह से रखने के बाद मैं लूंगी सबसे पहले मेल्टेड बटर, और इन सारी ब्रेड्स के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेड को बटर को लगा दूंगी। इस तरह बटर लगाने के बाद अब हम इन दो स्लाइसेस पे लगाएंगे टोमेटो केचप। इस तरफ मैंने केचप लगा दिया है, तो दूसरी तरफ मैं लगाऊंगी ग्रीन चटनी। ये लगाने के बाद अब जो स्टफिंग मैंने बना के रखी है उसे मैं इस पे ऐड करूंगी। अच्छे से स्टफिंग फिल करने के बाद हम इस स्लाइस को इसके ऊपर इस तरह से रख के हल्का सा प्रेस कर देंगे, और ऐसा ही दूसरी ब्रेड के साथ भी करेंगे इस तरह से। तो ऐसे आपको अपने पहले सैंडविचेस रेडी करने। देखिए, तवे को मैंने फ्लेम पे चढ़ा दिया, और उस पे मैं थोड़ा सा जो बटर है उसे ब्रश कर दूंगी। आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं और तवा भी ले सकते हैं। ये करने के बाद आप एक सैंडविच को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, और दूसरे सैंडविच को भी स्पेस बना के आप साथ में ही रख सकते हैं। अब आपने सैंडविच को अच्छा डार्क ब्राउन होने तक इस पे अच्छे से पकने देना है, और जो इसकी ऊपर वाली साइड है उस पे भी हम थोड़ा थोड़ा बटर जो है वो ब्रश करेंगे या नाइफ से लगा लेंगे। देखिए, अच्छी तरह से दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, और बाहर से देखिए आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, बहुत क्रिस्पी भी हो गया है। तो ये बन के तैयार है, अब हम इसे सर्व करें। देखिए कितना यमी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही यमी लग रहा है, तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए, मेरे वेज मायो सैंडविच बन के तैयार है।
बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होगी। अब आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक नई और रिफ्रेशिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।